जैसे ही चुनाव का शंखनाद हुआ, कांग्रेस ने ताबड़तोड़ अपने समर्थकों को प्रचार पे लगा दिया, और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन कर डाला। रैली के आयोजन में बीजेपी के ऊपर उन्होंने दय दनादन तीरों का वार किया, और उनको कहते कहते क्या कह गए वो हम आपको सुनाते हैं। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल मसूद अजहर को जाकर कांदहार में हवाले करके आ गए थे। कांग्रेस ने अपनी जुबानी जंग लड़ डाली, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में जैश सरगना मसूद अजहर को अजहर जी कह डाला। इसके बाद सियासी घमासान मंच मच गई। दिल्ली के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए थे, बम किसने फोड़ा, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर जी को डोभाला के साथ कंधार भेजा था। राहुल के साथ बयान पर भाजपा कांग्रेस ने ट्वीट पर जमकर शब्द बाण चले। हैशटैग से भाजपा ने वीडियो शेयर किया, लिखा, जैश सरगना के लिए राहुल के मन में इतना सम्मान, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी लवर टेररिस्ट के जवाब में इसे तंज बताते हुए भाजपा का सवाल दागे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले थे दिग्विजय जी को पसंद था जिन्होंने ओसामा जी को हाफिज सईद साहब कहा था, अब आप कह रहे हैं अजहर जी, कांग्रेस को क्या हो गया है। ये हाल है कांग्रेस का, जो गैर सामाजिक लोगों को आप और सम्मान की लड़ाई देती है। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट। देश की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए एसएम न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सकें सबसे पहले।